हेलो गाइस, ये शाम का टाइम है और मैं आई हूँ अपनी किचन में। बर्तन वगैरह धोने के लिए झाड़ू वगैरह तो लगा लिए मैंने, और यहाँ पर मेरे बर्तन रखे हुए थे जिसको मुझे स्टैंड में सेट करना था, तो मैं वही करने आई हूँ। यहाँ बर्तन सेट कर रही हूँ और बर्तन खाली करके मुझे अभी बर्तन भी साफ़ करना है। और मैं यहाँ पर बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं कैमरे पर धूप छाया मतलब कि अंधेरा टाइप में तो नहीं हो रहा है, तो उसी को मैं सेट कर रही थी। क्योंकि पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि आप कैमरा रख दो और उसमें फिर अंधेरा सा आ जाता है, जैसे कि धूप छाया, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो हमारी वीडियो में कुछ धूप छाया सी हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल सही है, जब मैंने देखा तो सही था, लेकिन मुझे जब मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी तो वैसा ही मुझे लग रहा था। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि आधे घंटे का जो काम होता है, ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है फुल वॉच कीजिएगा। फुल नहीं तो कम से कम आप 5 मिनट तो वॉच कर ही सकते हो। और स्पैम कमेंट मत कीजिएगा कि वीडियो खोली और कमेंट कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। और यहाँ पर मेरा बन गया है जूड़ा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मैं जूड़े में ही ज़्यादा नज़र आऊँगी आप लोगों को। और जूड़ा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, चोटी वगैरह बहुत कम मैं बनाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने पहनी है टी शर्ट, क्या करूँ यार, पहन लेती हूँ गर्मी होने के कारण। लेकिन मेरा थोड़ा सा, आप लोग जानते हो है ना, आप लोग जानते हो कि थोड़ा सा मेरा जो है टमी निकला हुआ है, तो पहन लेती हूँ। और इसलिए मैं फ्रंट साइड थोड़ा सा कम आ रही हूँ, क्योंकि इसमें पूरा 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 शो हो रहा है। तो साड़ी या सूट में तो कम पता चलता है, लेकिन टी शर्ट में ज़्यादा पता चलता है। तो इसलिए मैं फ्रंट से थोड़ा फेस कम कर रही हूँ। और पता है मेरी आईब्रो भी नहीं है, देखिए मेरे को आईब्रो भी बनवानी है, लेकिन मैं कभी नहीं आईब्रो अपनी बनवाती। अगर गौर से देखो तो थोड़े बहुत हल्के हल्के से हो जाते हैं, वरना मेरी तो आईब्रो है ही नहीं। अब तो थोड़ा सा मैं पेंसिल वगैरह लगा लेती हूँ, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं लगाती थी। और आईब्रो भी बहुत कम मैं बनवाती थी, जैसे कि कोई पार्टी हो या तो फिर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो, यानी कि जैसे करवा चौथ, और या तो पार्टी साड़ी, बस ऐसे ही बनवाती हूँ। लेकिन और नहीं बनवाती मैं, क्योंकि मेरी आईब्रो है ही नहीं। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा बन जाता है तो थोड़ा सा शेप आ जाता है तो अच्छा लगता है। और ये मैंने बाली ली है, देखिए मेरी बाली कैसी लग रही है। ये आर्टिफिशियल वाली है, ये आर्टिफिशियल वाली है। वो क्या था, मैं गोल्डन वाला जो पहनी थी तो मेरा एक बार गिर गया था, उसका पेच निकल के मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं कहीं जा रही थी तो मुझे दूसरे कान का दिखा नहीं, तो मैंने उसे ढूंढना चालू कर दिया। तो यानी कि 2-3 घंटे में वो मिला, मेरा तो दिमाग एकदम चक्कर खा गया था। तो इस वजह से मैंने उसको उतार के धर दिया था। और दूसरी चीज़, गर्मी होने के कारण भी मैंने थोड़ा सा उसको नहीं पहना। लेकिन अभी मैंने ये आर्टिफिशियल बाली ली है, आप लोग बताइएगा कि ये मेरी बाली कैसी लग रही है। वैसे मैं बताऊँ, मुझे अपने कान में जो है ना बाला लग थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। बाला मुझे कम पसंद है, बाकी जो टफ टाइप में जो आइटम होते हैं
वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए, मैंने अभी शाम वाला तो काम कर लिया है, झाड़ू लगा ली है, बर्तन धुल गया है मेरा, किचन भी लग गया है। अब मुझे बनाना है चाय, तो चलिए मैं चलती हूँ, अभी चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, ये देखिए मेरा फ्रेंड कालू, देखिए मैं फेस वॉश करके आई हूँ तो ये मेरा गीला है, गीला। तो ये देखिए मेरा फ्रेंड कालू बिल्कुल अजीबोगरीब लग रहा है ना, तो इसलिए मैं फ्रेंड का नहीं दिखा रही थी। और जुड़ा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर फ्री बैठी थी, तो मुझे लगा मैं बैठ कर क्या करूँ, टीवी भी देख रही थी। तो फिर मैं एक आम लेकर आई जिसको मैं खाने लगी, और बेटा मेरा गया था मैच खेलने। तो जब मैं आम खा रही थी तभी वो मैच खेल कर आए हैं, तो मैं आम खा लेती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि इस समय जो आरती जी का चैनल है जिंदगी मिलेगी दोबारा का, तो प्लीज़ जिससे जो बन पड़े उनकी हेल्प कीजिए, जिससे जो भी बन पड़े प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि उनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मेरे यहाँ मेरे कश्यप जी आ चुके हैं, तो वो लेकर आए हैं फिंगर, क्योंकि बेटे की डिमांड होती है कि शाम को आते वक्त उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी समोसे हैं कभी फिंगर है, तो अक्सर कर लेकर आते हैं। और यहाँ पर हम दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो मैं पानी दे रही थी क्योंकि मुझे पता है जब इंसान बीमारी में घिरता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसको आगे पीछे का किसी का कुछ भी नज़र नहीं आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। और उनके यहाँ भी कोई कमाने वाला नहीं है, जैसे तैसे उनका घर का खर्च वगैरह भी चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जिससे जो भी बन पड़े, अन्न धन जो भी कुछ आप मदद कर सकते हैं, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। मैं भी चाहती हूँ, बट मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हो, मैंने बताया है कि मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ, करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब झेल चुकी हूँ। क्योंकि मेरा बेटा बीमार था तो 3-4 साल तक हमने बहुत ज़्यादा, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो मैं समझ सकती हूँ। मैं आज इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ, अगर होती तो ज़रूर उनकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करती, क्योंकि उन्हें भी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस, जिससे जो भी बन पड़े, जो भी कुछ करना चाहें, तो आप लोग उनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। और यहाँ पर मेरे जो फिंगर लेकर आए थे तो मैं उनको निकाल रही हूँ, तो आइए आप लोग भी हमारे साथ फिंगर खा लीजिए, क्योंकि मेरे बेटे को फिंगर कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है, और फिंगर वैसे भी हमें लगता है ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद आती होगी, क्योंकि इसकी चटनी ही इसकी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग खा रहे थे और बेटे से अपनी बात भी करती जा रही थी, और उनसे बोल भी रही थी कि आकर खा लो। तो बेटा मेरा कोई हाँ कुछ देख रहा था, तो उसी सामान को वो धर रहे थे। और फिंगर खाने के बाद ये मेरे यहाँ मेरे कश्यप जी पानी लेकर आए हैं, जो कि पानी बाहर से आता है, यानी कि हैंडपम्प का पानी होता है। हम लोगों के यहाँ जो पानी आता है वो पानी हम लोग नहीं पीते हैं, यानी टंकी का पानी आता है तो उसको नहीं पीते हैं, हैंडपम्प से पानी आता है तो उसी को ही पीते हैं। और फिर यहाँ पर आ गई मैं तहरी बनाने के लिए, लेकिन मैंने पूरा मतलब नहीं दिखाया है, इसको काट दिया क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। वैसे भी जब छोटी बनाओ तो कोई नहीं देखता, थोड़ी लंबी हो जाती तो कौन देखता। एक जगह तो मैंने अपनी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा रखी है, तो तहरी मेरी मतलब मैंने चढ़ा दी है, जिसको मैंने जीरा प्याज और लहसुन मिर्चा का तड़का लगाया है, आलू सोयाबीन डालकर फ्राई कर दिया है, और चावल डाला है, थोड़ा पानी नमक हल्दी और बिरयानी मसाला डाला है। बस इन्हीं सब चीज़ों को डालकर मैं बनाती हूँ, ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालती मैं, और जो भी डालती हूँ काट पीट कर ही डालती हूँ, थोड़ा सा खड़ा गर्म मसाला डाल देती हूँ। और ये डलिया जो मैंने धुली हुई थी, इसके ऊपर तेल गिर गया था, तो मुझे नीचे का पोर्शन इसको साफ़ करना था, तो मैंने इसको धुलकर और सेट करके रख दिया। और ये देखिए तहरी मेरी तैयार हो चुकी है,
और वाकई में तहरी बहुत अच्छी बनी थी। इस तहरी की मैंने फुल वीडियो बनाकर रखी थी, लेकिन मुझे काटनी पड़ी कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसको मैं अलग से डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। हेलो गाइस, मेरा काम हो गया है, खाना डिनर भी हो चुका है और मैं काम करके नहा कर आकर अभी लेटी हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि गर्मी में पाउडर मेरे को ज़्यादा लगता है, तो ये देखिए ये पाउडर वगैरह मैं साथ लेकर सोती हूँ, ताकि कहीं कुछ भी हो ना। तो अभी सोते समय मैं सिर्फ ये गले में और फेस पर थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि चिपकन टाइप चीज़ें होती है ना, तो इसी को लगाकर मैं सो जाऊंगी। तो थोड़ी सी भी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, चल बंद करिए।